तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हंटिंग पे निकले हैं इब्राहिम के साथ जुरा लेके। तो ये आपको कुछ बातें बताएंगे शिकार के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। ये जो इस वक्त मेरे हाथ पे परिंदा बैठा हुआ है, बेसिकली जो बाज जिसे कहते हैं वो ये बाज है जो मेरे हाथ पे बैठा हुआ है। आमतौर पर जो लोग हैं वो चीलों को भी बाज बना देते हैं, ईगल को भी, फाल्कन को, हर चीज़ को। एक बाज एक आम सी टर्म है जो अक्सर हर बंदा जिससे वाकिफ होता है, फेमिलियर होता है इस लफ्ज़ से। तो वो जिस भी परिंदे को देखते हैं, पंजे और वो चोंच, इसकी जो शिकारी परिंदा कोई भी देखते हैं उसे वो बाज कह देते हैं। असल जो बाज है वो जो इस वक्त मेरे हाथ पे बैठा हुआ है इसे बाज कहते हैं। ये बाज का नर है जिसे जुरा कहते हैं, और जो मादी होती है उसे हम कट्टा बाज कहते हैं, और जो नर होता है उसे जुरा कहते हैं। और इसकी एज कितनी है? और इसकी एज है इस वक्त ये बोजम है 2 साल का। जब चूज़ होता है तो इसके सीधे ऐसे लॉन्ग होते हैं, और जैसे जैसे जब ये बोजम हो जाता है तो इसकी इस तरह लाइनें आ जाती हैं। मतलब कि आप समझ लें कि पहले इसकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं। सही। और जैसे जैसे इसकी एज होती जाएगी ज़्यादा, तो इसकी जो कमर है वो ब्लैक होती जाएगी, और जो ये सीने की लाइनें हैं ये ब्रीक होती जाएंगी। सही। तो आज हम शिकार पर निकले हैं, माइग्रेशन के बारे में बताएंगे ये। हाँ, और ये पाकिस्तान का लोकल बर्ड नहीं है, जैसे शिकरा पाकिस्तान का लोकल बर्ड है, ये माइग्रेटेड बर्ड है। ये तकरीबन पंजाब में अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक माइग्रेट करके आ जाती हैं ये, और फिर हम इन्हें ट्रैप करते हैं। हम तो नहीं करते हैं, मतलब कि हम तो, ये तो मुझे वैसे गिफ्ट मिला था, लेकिन जो ट्रैप करते हैं लोग फिर उनसे परचेज करते हैं, फिर उससे शिकार खेलते हैं सीजन। अब इनका जो ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है तकरीबन, तो जो अच्छे बर्ड होते हैं उन्हें हम मोल्टिंग पे बिठा लेते हैं क्रीज पे, और जो बर्ड नहीं इतना कोई अच्छा होता शिकार में, उसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं अच्छी रहती सीज़न में, उसे फिर हम रिलीज़ कर देते हैं। तो ये काफ़ी माशाल्लाह तेज़ परिंदा है जिसकी हाँ, वजह से मैंने देखा है, मैंने इसको देखा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लास का परिंदा है, जिसकी वजह से हमने इसे रखा हुआ है। इसे चूज़ लिया था हमने। अब ये बोझा मैं इंशाल्लाह, अब भी इसे इसकी ज़िंदगी रही तो जब तक इसकी ज़िंदगी होगी इंशाल्लाह इसे अपने पास और रखेंगे। फाल्कन और हॉक्स के फैमिली जो है ना बहुत डिफरेंट है इनमें, बहुत मतलब। फाल्कन और हॉक में ये डिफरेंस होता है कि फाल्कन की जो आँख होती है ब्लैक होती है, और इसकी जो होती है येलो जो होता है इसमें सर्कल होता है, येलो आँख होती है, कलरफुल आई होती है। तो फाल्कन को जो है उर्दू में कहते हैं स्याह चश्म, और जो हॉक फैमिली का, जितने हॉक फैमिली के जो बर्ड हैं उन्हें कहते हैं गुलाब चश्म। गुलाब चश्म में जो हैं जो इकसाम आती हैं, गुलाब चश्म में सबसे छोटा परिंदा होता है शिकरा जिसका नार होता है चिपका, उसके बाद आ जाता है बादशाह जिसका नार होता है बशीना, और बशीन भी कहते हैं कुछ लोग, और उसके बाद आ जाता है हॉक फैमिली में बाज जिसका नार होता है जुरा। ये जुरा इस वक्त मेरे हाथ पर बैठा हुआ। सही। तो और जो फाल्कन है उसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। फाल्कन की प्राइस काफ़ी आई हुई है इस क्लास में, बहुत ज़्यादा होती है ना। फाल्कन की जो अरब्स जितने भी आते हैं, अरबी जो हैं पाकिस्तान में आते हैं, क्योंकि उनके पास दौलत काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हद तक उनके पास दौलत है, तो इस वजह से उन्होंने जो है इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया फाल्कन में। और फाल्कन की जो नस्ल, फाल्कन में काफ़ी ज़्यादा ब्रीड्स हैं, आप कह लें कि मर्लिन है, मर्लिन में भी 3 किस्में हैं, एक रेड हेडेड मर्लिन है, एक ब्लैक हेडेड मर्लिन है, एक कैस्टल फाल्कन है, उसे भी आप मर्लिन में शुमार कर लें या ना भी करें, तो एक अमेरिकन मर्लिन होती है, वो सेम ही उससे होती है ना। जी ये 3 किस्में जो हैं पाकिस्तान में पाई जाती हैं, और उसके बाद इसमें शहीना आ जाती है, रेड नेप्ड शहीना आ जाती है, ब्लैक शहीना आ जाती है, और ये शहीन लोकल भी है, पाकिस्तान में भी ब्रीड करती है, माइग्रेट करके भी आती है। उसके अलावा इसमें लगड़ फाल्कन की किस्म आ जाती है। सही। और लगड़ फाल्कन जो होता है वो भी कुछ आज से कुछ 10 साल पहले लोकल बर्ड था पाकिस्तान का, ब्रीड करता था, लेकिन जो फाल्कन ट्रैपर्स हैं ये क्योंकि सेकर के लिए, बैरक के लिए इस्तेमाल होता है, उन्होंने पकड़ पकड़ के इनकी नस्ल इतनी नापैद कर दी है तुरमती और लगड़ की के ना होने के बराबर ही रह गया। अब जो लगड़ है ज़्यादातर राजस्थान इंडिया वाली साइड से माइग्रेट करके आता है हमारे पाकिस्तान में, और फिर उसे लोग ट्रैप करके रखते हैं। फिर इसमें पेरिग्रेन फाल्कन है, और फिर सेकर फाल्कन है, और अब कुछ साल पहले ये कोई नई नस्ल का इजाफा हो चुका है जिसे जियर फाल्कन कहते हैं, जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है तो उससे उन्होंने जो है आप कह लें कि क्रॉस ब्रीड निकाल लिया पेरिग्रेन फाल्कन, बेरी बेरी की और सेकर जो चर्ग होता है, बैरी और चर्ग का जो आप कह लें कि मिक्स जो है उसे वो जियर फाल्कन कहते हैं। और अगर ऊपर से आप देखें आसमान से डाइव करके आए तो वो जो है बैरी जो पेरिग्रेन फाल्कन होता है वो फास्टेस्ट बर्ड है, और अगर सीधी उड़ान में देखा जाए तो कहते हैं जियर जो है वो फास्टेस्ट बर्ड है इस वक्त बर्ड में। अच्छा, तो इसकी प्राइस क्या है हॉक्स ये जुरा? इसकी प्राइस तकरीबन इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा
इस वक्त इस मौसम में इस एज में इस साइज का परिंदा और इस मौसम में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कि 10-15 हज़ार, ज़्यादा ज़्यादा 20 हज़ार हो सकती है। अच्छा अच्छा। और यही परिंदा अगर सीज़न की शुरू में हो तो 30,000-40,000 प्राइस हो सकती है। हाँ, और जो जवेनाइल होता है चूज़, उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। जवेनाइल की प्राइस ज़्यादा होती है, एडल्ट की प्राइस कम होती है, क्योंकि जवेनाइल जो होता है वो आसानी से ट्रेन हो जाता है, और जो अडल्ट होता है वो ज़रा टाइम लेता है, मेहनत लेता है, क्योंकि उसने जंगल को ज़्यादा देखा होता है। सही। इसकी मिसाल इसी तरह ही है कि आप शेर का बच्चा रख लें तो वो आराम से वो टेम हो जाएगा, और अगर आप जंगली शेर पकड़ लें और अगर थोड़ा बहुत जवान पकड़ लें तो वो फिर भी शायद हो जाए, लेकिन अगर आप जंगली पकड़ लें तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसने जंगल का शिकार देख चुका होगा। चूज़ एक तरह इसी तरह होते हैं कि इन्हें 2-3 महीने हुए होते हैं शिकार खेलते, तो ये माइग्रेट करके आ जाते हैं, और इन्होंने जंगली ज़िंदगी इतनी ज़्यादा देखी, बिल्कुल नहीं गुजारी थी, और फिर ये इंसान के हाथ में आ जाते हैं। सही। तो वो ज़्यादा अच्छा टेम हो जाता है बर्ड, लेकिन मुख्तलिफ बर्ड्स की नेचर होती है, कुछ अडल्ट बर्ड भी इतने अच्छे टेम होते हैं, तरीनाक भी इतने अच्छे टेम होते हैं, नेचर पर डिपेंड करता है कि एग्रेसिव नेचर क्या है, या वो मीठा परिंदा है या गुस्से वाला परिंदा है, उस हिसाब से होता है। हाँ, तो इनके जो मुकाबले होते हैं अक्सर मेले होते हैं। हाँ जी, वो अब नहीं हो रहे मेरे ख्याल कोरोना की वजह से। वो कोरोना की वजह से फिलहाल बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट मिलती है ना, वो बहुत हमारे लिए एक शौकीनों के लिए तो एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा, वहीं पे पता चलता है कि कौन जी कितना अच्छा शिकारी और वो कौन तो बस इसी तरह ही है, फिर मैदान में हार जीत खेल का हिस्सा होता है। तो असल हम शौक से शौकीनों को मिलने की नीयत से जाते हैं, कोई हमारा मकसद नहीं होता मेला जीतने का, हमारा तो यही मकसद होता है कि शौकीन हजरात से मिलेंगे, कोई उनके परिंदे देखेंगे, कोई अपने परिंदे दिखाएंगे। कुछ शौकीनों में ये बड़ा जो है आप कहने ये डोरा, ये शिकार बांधा, ये आपने खुद ही बनाया ना जुगोली जी, ये मैंने बनाया हुआ, और ये इसके जो है ना इसका बड़ा होता है आप कह लें क्रेज फाल्कनर्स को कि किसका सामान अच्छा बना हुआ है, सामान दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और कोरोना वायरस जो है फिलहाल उसकी वजह से जो है पोस्टपोन हो चुकी है कॉम्पिटिशन। सही। तो अब हम शिकार पे जाने लगे हैं इंशाल्लाह, फिर शिकार की बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम इतना कीमती वक्त हमें दिया। तो इब्राहिम भाई का भी एक चैनल है फाल्कनरी आर्ट ऑफ किंग्स, मैं उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी सबसे विजिट करें, बहुत ही अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। तो फाल्कनरी आर्ट ऑफ किंग्स के नाम से शिकार की, और आप किस चीज की वीडियोस बनाते हो? हर परिंदे की बनाते हैं जी, जो भी परिंदा आता है आपको हर परिंदे के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई ईगल है, फाल्कन है, हॉक है, कोई भी बर्ड है। हाँ, मैं जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैंने काफी बर्ड्स पे बनाई हैं, बिल्कुल ऐसा है, और काफी बर्ड हैं अभी ये जैसेस वगैरह की आप वीडियो अपलोड करते हो? हाँ जी, हर्बल्स वगैरह जैसेस की, इनकी ट्रेनिंग की, इनकी हंटिंग की सारी वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलेगी, चैनल को लाजमी विजिट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह।